नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां समय के साथ बढ़ती जा रही हैं और सियासी दलों के बीच में अब पोस्टर वॉर का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में डिजिटल टाइमर वाले पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ आ रहा हूं लिखा हुआ है, और पोस्टर के मुताबिक अखिलेश सत्ता में 145 दिन के बाद वापसी का दावा कर रहे हैं। अब टाइमर वाले इन होर्डिंग्स को लेकर के पार्टी नेताओं का कहना है कि इन पोस्टर में टाइमर का इस्तेमाल जनता को जगाने और सरकार के नुमाइंदों को उनकी जिम्मेदारी का आभास दिलाने के लिए किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह दावा है कि जनता केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से खफा है, जनता का मिजाज जानने के बाद ही हमने ये बैनर और पोस्टर को लगवाया है। अब बीजेपी का इस पर यह कहना है कि पोस्टर में घड़ी लगाने से समय बदलेगा नहीं और ना ही जनता की राय बदलने वाली है। समाजवादी पार्टी के इन पोस्टर पर सीएम योगी ने भी तीखा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक सम्मेलन में अखिलेश यादव के नए चुनावी पोस्टर मैं आ रहा हूं के मायने बताए हैं। सीएम ने कहा है कि मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, अराजकता और लूटपाट है, और आज कोई कहे कि मैं आ रहा हूं तो अपहरण, अराजकता और लूटपाट के लिए आ रहे हैं, ये सब हम नहीं चलने देंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया, वो राज्य में अराजकता के लिए जिम्मेदार थे, और कांग्रेस के बाद एसपी और बीएसपी को भी यह मौका मिला। एसपी और बीएसपी से यह पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान राज्य से पलायन को रोकने के लिए क्या किया। हम लोग दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर काम करते हैं, और 2017 से पहले लोग प्रदेश में जातीय ताने बाने को छिन्न भिन्न करते थे, देश की कीमत पर वो राजनीति करते हैं। अब पर्व त्योहार में वो कर्फ्यू तक लगा देते थे, किसान, नौजवान, बहू बेटियां सब परेशान रहते थे। 2017 के बाद हमने बिगड़ी हुई व्यवस्था जो हमें मिली उसको सुधारा, और अब बदलाव हर क्षेत्र में दिख रहा है। तो अखिलेश के पोस्टर वॉर पर सीएम योगी ने यह पलटवार किया, और इससे यह जाहिर है कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच में पोस्टर वॉर और ज्यादा तेज होने वाला है, जो सूबे की सियासत को सातवें आसमान पर पहुंचाएगा। और अब ऐसे में सवाल तो इस पर बनता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर कोई नया नहीं है, लेकिन पोस्टर्स के जो तरीके अलग अलग बदल रहे हैं उसके बाद आप देखते हैं कि हर बार ये दिलचस्प होता है, और इस बार ये जो डिजिटल टाइमर वाला पोस्टर, जो कि ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, आ रहा हूं लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया, और इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो अब धीरे धीरे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज मुख्यमंत्री ने इसको ये भी कहा कि आ रहा हूं का मतलब अपहरण और तमाम तरीके की जो अराजकता है वो फैलने वाली है, ये आ रहा हूं का मतलब आप समझिए। साथ ही अन्य विपक्षी पार्टियों को भी उन्होंने निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी ने भी इसको क्या कुछ कहकर डिफेंड किया वो हमने आपको बताया। तो अखिलेश के पोस्टर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जवाब दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आज पलटवार करते हुए इस पोस्टर को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन जब कोई आपराधिक मानसिकता के साथ कार्य करता है तो उसी संकीर्णता के दायरे में रह करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करते हैं, जैसे 2017 के पहले प्रदेश में देखने को मिलता था। इन लोगों के लिए समाज मायने नहीं रखता, देश मायने नहीं रखता, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, और जब पर्व और त्योहार आता है तब दंगाइयों को प्रोत्साहित करके कर्फ्यू लगाते हैं। तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कार्य कर रहा था, बाकी अन्य दलों के लोग सो रहे थे, होम क्वारंटीन में थे, आइसोलेशन में थे। जब आपके संकट के समय, समाज के संकट के समय ये लोग आइसोलेशन में थे, तो चुनाव में भी इन्हें आइसोलेशन में भेजने की तैयारी होनी चाहिए। और एक दिल्ली वाले हैं, वे तो दिल्ली से यूपी बिहार वालों को ही भगा दिए थे। आज कह रहे हैं हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे,
अरे जब अवसर मिला था, जब लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को इन्होंने दिल्ली से भगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, इनको बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, सभी विपक्षी दलों को उन्होंने निशाने पर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर को लेकर के भी उन्होंने बहुत तीखा हमला बोला। हालांकि अब समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जनता को जगाने के लिए और माननीयों को ये बताने के लिए कि समय अब उनके पास नहीं बचा है, जनता अब समाजवादी पार्टी को इस समय देख रही है, उनके शासनकाल को याद कर रही है, और इसलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। आ रहा हूँ, जो कि डिजिटल पोस्टर है, बाकायदा घड़ी और टाइमर के साथ ये पोस्टर लगा हुआ है, और ये पोस्टर बेहद दिलचस्प है, और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीति है वो अब होती हुई आपको नजर आ रही है। वार पलटवार और आरोप भी इस पर अब उठने और लगने शुरू हो गए। तो चलिए, सवाल बहुत सारे और आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल तीन मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सत्यजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। सत्यजीत सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और तरुणिमा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। तरुणिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें या फिर हम यूं कहें कि ये जो पोस्टर हम लोग देख रहे हैं बेहद दिलचस्प है। इसको लेकर के जो तमाम वार पलटवार या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो मैं दर्शकों को सुनवा चुका हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पोस्टर को मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिहाज से किस तरह से देखूं और इसके क्या मायने हैं। आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। आयुष जी, योगी जी सोच के व्यक्ति ही नहीं है जो उस पोस्टर का मायने समझ पाए, जो उत्तर प्रदेश की जनता के जो युवा हैं, युवाओं की जरूरत को समझ पाए, उनकी जरूरतों को फील कर पाए, उनके बारे में सोच पाए, तकनीकी के बारे में समझ पाए, वो उनकी समझ का नतीजा है। दूसरी बात यह है कि ये जितना हताश होकर के बातचीत कर रहे थे, आपने खुद सुनवाया, आपने भी सुना होगा, बॉडी लैंग्वेज उनका लग रहा था कि अब इस बार हारने की पूरी तैयारी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो आदमी कपट और धोखे से झूठ का फूल खिला रहा हो उसको तो सारी चीज़ें इसी तरह से दिखती हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है कि जब आप हर चीज़ पर झूठ बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई सबसे बड़ा झूठ बोल दिया, 15 लाख रुपये खाते में आएंगे सबसे बड़ा झूठ बोल दिया, किसी खाते में नहीं आए, महंगाई को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश की जनता को डीजल पेट्रोल आप सस्ते में दे सकते थे, 65 रुपये में दे सकते थे, अगर उसको GST के दायरे में ला दिया जाए, तो आप मुझे बता दीजिए कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें ऐसी कौन सी बाधा आ रही है जिसको GST के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इससे तो साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता सामान देना नहीं चाहते। अभी त्योहारों का समय है, सरसों के तेल की महंगाई आप देख रहे हैं, 230 रुपये लीटर बिक रहा है। उसके बाद अरहर की दाल, आजकल गरीब आदमी अपने थाली में अरहर की दाल खाने के लिए मोहताज हो गया है, उसे नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? पूंजीपतियों का इन पर दबाव। पूंजीपति हर तरह से मार्केट को कैप्चर कर लिए हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। पोस्टर में टाइमर लगा, उसमें क्या समस्या है मुझे बताइए? चुनाव का भी टाइम होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है, तो टाइमर तो हर आदमी की जिंदगी का टाइमर है, उसमें ऐसी समस्या क्या है? लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए योगी जी इस तरह का बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले अम्बेडकर नगर जिला है पूर्वांचल में, वहां पे योगी जी की एक सभा थी, उसमें लोगों की भीड़ नहीं आई। तो इन्होंने क्या किया, वहां के जो शिक्षक है, मेरे पास लिस्ट है पूरी, उन शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई कि सारे शिक्षक जाएंगे योगी जी का स्वागत करेंगे ताकि भीड़ बढ़ जाए। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे, कुछ जो पुलिस वाले हैं उनको सादी वर्दी में आने के लिए कह दिया गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्राइसिस से जूझ रही है। लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि झूठ एक बार बोलोगे आप, दो बार बोलोगे, गुमराह एक बार करोगे, दो बार करोगे, किसी के साथ छल एक बार करोगे, दो बार करोगे। रावण ने माता सीता को दूसरी बार तो नहीं हर पाया था कभी, दूसरी बार तो उनका किडनैपिंग नहीं कर पाया था, वो एक ही बार तो कर पाया था, उसके बाद उसका हासिल क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार रावण से भी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है और इनके हर बात का उत्तर प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि किसी भी विधानसभा में चले जाएं, 403 में से मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, किसी भी विधानसभा में चले जाएं, 403 विधानसभा में, अगर वहां से उल्टा ना वापस आना पड़े तो आप बताइए। आज स्थिति ये हो गई है कि नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, नौजवान दर दर भटक रहा है। उसके बाद किसान की हालत क्या है, एक बोरी में चोरी करते हैं, आप समझिए
जो 50 किलो की डीएपी खाद की बोरी आती थी उसको 45 किलो कर दिया। आप मुझे बता दीजिए क्या किसान इतना भी नहीं समझता इस बात को, ये चोरी कर रहे, बोरी में चोरी कर रहे हैं। तो योगी जी हमेशा चोरी की बात करेंगे, कपट की बात करेंगे, धोखे की बात करेंगे, झूठ की बात करेंगे, ये इनकी बुनियादी चीजें हैं। इसको ये छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इनको कमल खिलाना है तो कीचड़ मेंटेन करके रखना है, इसलिए योगी जी की मजबूरी है, कीचड़ मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको उसी कीचड़ में डाल देगी जिस कीचड़ से आए थे। ठीक है सत्यजीत जी, क्योंकि बार बार आप लोग कहते रहे, क्योंकि जब तक समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तब तक समाजवादी पार्टी या उस विचारधारा का सत्ता में आना मुश्किल नहीं है। अब अगर ये पोस्टर हम लोग देखें या फिर जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता ये मन बना चुकी है, आपका साथ मिल गया है या उधर से कुछ हरी झंडी आ गई है, थोड़ा समझाएं इसको सत्यजीत जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल तक काम नहीं किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये 4.5 साल तक काम करते तो आज इनकी ये दुर्दशा ना होती, गरीबी भुखमरी के हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। और अभी तो रिपोर्ट भी जो आई वैश्विक स्तर पर, भुखमरी वैश्विक स्तर पे जो सूचकांक था उसमें 101 नंबर था इनका, पहले हम 94 पे थे, बाद में 107 पायदान नीचे खिसक करके हम 101 पे आ जाते हैं। तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, और विशेष करके आज हम प्रदेश सरकार पे चर्चा कर रहे हैं, तो प्रदेश सरकार पे जब चर्चा कर रहे हैं तो ये तय मान करके चलिए कि जो इनके कृत्य हैं, जो इनके कर्म हैं, वो इनको ले डूबेंगे। विपक्ष एकजुट होकर के इनको मुकाबला देगा और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाना ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अन्याय अत्याचार ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और छल कपट प्रपंच भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। आज हालात ये हो गए हैं कि जनता इनके छल कपट प्रपंच को पूरी तरीके से जान नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सत्यजीत जी मेरा जो मूल प्रश्न था आप उससे या तो आप उसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। कल जा रहे हैं क्या, मऊ जा रहे हैं क्या? देखिए मैं अपनी बात को रखूंगा, हमने तो बार बार कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार कहा कि सभी समान विचारधारा के लोग एक मंच पर आए और एक मंच पे आकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। और मेरा अपना मानना यह है कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो समाजवादी विचारधारा ठीक है, कितने दिन तक जो है गुमराह करेंगे लोग, समाजवादी विचारधारा को एक मंच पर आना ही होगा। ये प्रदेश की भलाई के लिए मैं कह रहा हूँ, देश और प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कह रहा हूँ, जो है 24 करोड़ की आबादी के लिए मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी विचारधारा से ही प्रदेश चलेगा तो बेहतर होगा। नहीं, वो तो चलेगा भाई, देखिए इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा, चूंकि जो पोस्टर लगे हैं उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है मैं आ रहा हूँ, मतलब मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं सत्ता में आऊंगा और मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन उसमें पीएसपीएल का जिक्र नहीं है ना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बिना आपके साथ के क्या सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि हराने के लिए सबको साथ होना जरूरी है, या तो आपका साथ मिल चुका है उधर, या डीलिंग हो गई है, सहमति बन गई है, या तो क्या स्थिति है, थोड़ा उसको स्पष्ट करें, कैसे इतना आश्वस्त हैं? सवाल दलों का नहीं है, दल की बात नहीं है, ये जो प्रदेश की जनता है उसके हित की बात है। तो प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता का हित ये जो दल है ना वही चुनकर को तो पहुंचते हैं जब सरकार बनाते हैं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते सवाल दलों का नहीं है। भाई दल भी तो चुनकर ही पहुंचते हैं ना, जनता उनको चुनती है, जनता की जनता की समस्या को कैसे एड्रेस कर पा रहे हैं, आपके बिना कर पा रहे हैं क्या, ये आपका साथ मिल गया, मैं ये समझना चाह रहा हूं। जनता की मंशा है कि सभी दल एक हो, और जनता की मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी। अभी तो आप ऑफिशियली तो आप अनाउंस कर नहीं रहे कि आप अभी आपका कोई साथ उनका हो गया ना, समाजवादी पार्टी कह रही, मतलब आपके बिना ही वो पहुंच रहे हैं, आपके बिना ही वो सत्ता में वापसी कर रहे हैं। राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है और संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, आज भी संभावनाएं ये हैं पूरी तरीके से। ठीक है सत्यजीत जी, ये बताइए कल मऊ जा रहे हैं क्या? सवाल मऊ का नहीं, हमारी तो रथ यात्रा निकल रही है, आज हमारे तीसरे चरण की रथ यात्रा की शुरुआत हुई। शिवपाल जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बरेली में भव्य स्वागत हुआ है, बरेली में 50,000 की भीड़ ने माननीय शिवपाल सिंह यादव का स्वागत किया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है, पूरे 75 जिले में घूम रही है, और कोई भी जगह ऐसा नहीं है, दूसरे चरण का समापन हमने अमेठी में किया था, और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का इनकार कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं बार-बार हर चर्चा में मैं ये कहता हूं, लेकिन सवाल ये है कि बिना आपके जनाधार के कैसे समाजवादी पार्टी इतना आश्वस्त है, आप उसका जवाब? इसी बात को मैं कह रहा हूं कि देखिए संगठन बड़ी चीज होती है, संगठन के माहिर माने जाते हैं श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव जी, और संगठन जब मजबूत होता है, हमने दिखाया है 2-2.5 साल के पीरियड में कि संगठन कैसे चलाया और बनाया जाता है। आज कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पे मेरे जिला अध्यक्ष, लेकिन मैं इस मूल सवाल पर रहूंगा, मैं आपसे ये सवाल पूछता रहूंगा। ठीक है, अभी तरुणिमा जी हमारे साथ जुड़ी, पहले उनका एक रिएक्शन में लेता हूं। तरुणिमा जी,
आप लोग भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी निशाने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया और उनके स्टेटमेंट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि दिल्ली तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आज आप उत्तर प्रदेश को बदलने की बात कर रहे हैं। बहुत बातें आप लोगों को लेकर के और खासतौर से आम आदमी पार्टी को लेकर कहीं, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा तर्जुमा जी। तर्जुमा जी एक बार अपनी ऑडियो अनम्यूट करें आप। जी आज उत्तर प्रदेश में कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वोट नहीं है। आज योगी जी ने अपने मुख से जब आम आदमी पार्टी की बात कही है सभी दलों के साथ, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पैर जमा चुकी है और मजबूत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेकर आ रही है, जिस भ्रष्टाचार से, जिस त्राहीमाम से, भुखमरी से, बेरोजगारी से जनता परेशान हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, वो नया विकल्प ढूंढ रही है और नया विकल्प उनके सामने सिर्फ आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की बात करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पर उनसे फटकार लगाई कि इन्होंने, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया है। अब राम राज्य की बात अगर आप कहें तो सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश में राम राज्य ला सकते हैं तो वो आम आदमी पार्टी ला सकता है। और राम राज्य का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि राम राज्य का मतलब क्या है, कि कोई भूखा ना सोए, बेरोजगार ना हो, लोग सभी को बेहतर इलाज मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेघरों को मकान मिले, जो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कल ही कहा है, और महिलाओं को सुरक्षा मिले। सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है, यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो गई है कि अब लोग डर कर जीने लगे हैं। यहाँ पर कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसके घर में लूट हो जाए, किसकी बेटियां घर वापस आए या नहीं आए, ये डर एक उत्तर प्रदेश। लेकिन तर्जुमा जी, ये तो आपने मुद्दे बताए, आप इन मुद्दों पर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि दो बड़ी बातें, एक तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप आज उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश वासियों के पूरे जीवन स्तर को बदलेंगे, कोरोना काल में आपने दिल्ली से उत्तर प्रदेश वासियों को भगा दिया, उनको तो आपने रखा नहीं, ना तो उनको आपने रोकने की कोशिश की, और दूसरा यह है कि सत्ता में पहुंचने से पहले यहां की जो पार्टियां हैं या यहां का जो विपक्ष है उसके लिए भी आपको चैलेंज बनना पड़ेगा, तब जनता आपको एड्रेस करेगी। यहां तो पोस्टर लगा दिया समाजवादी पार्टी ने कि मैं आ रहा हूं, यानी कि वो तो आने वाले हैं सत्ता में वापसी के, फिर आप ऑप्शन के तौर पर कैसे हैं? तर्जुमा जी, दोनों ही सवालों का जवाब दें। देखिए मैं आपको बताती हूं, कोरोना काल में पूरा देश त्रस्त था, और जो उत्तर प्रदेश की जो नागरिक है, जो वहां पे दिल्ली में कमाने के लिए गए हुए थे, वही उत्तर प्रदेश के नागरिक गुजरात भी गए थे, इनके भाजपा के जो राज्य है गुजरात, वहां पे भी गए थे, वहां से भी लोगों को भगाया गया, वहां से मारा पीटा गया उनको, मतलब बिल्कुल उन्हें खाने को नहीं दिया। लेकिन दिल्ली की खाने की व्यवस्थाएं, उनकी रहने की व्यवस्थाएं जो दिल्ली केजरीवाल जी ने उनके लिए किया, मजदूरों के लिए, ये न्यूज चैनल ने भी दिखाया। हम रोज चैनल पे बैठकर अपने सभी कार्य को बताते रहे कि हमने मजदूरों के लिए क्या किया, या जो प्रवासी लोग हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो हमारी कोई चीज छुपी हुई नहीं है। और नहीं, तर्जुमा जी, वो आनंद विहार की तस्वीरें कोई भूल नहीं सकता, वो तस्वीरें तो सबके जहन में अभी भी ताजा होंगी, लेकिन आप ये कह रही हैं कि वहां से भी भगाया, तो चलिए अगर उन्होंने भगाया, उनके अपने शासित राज्य ने भी भगाया, तो मतलब आप भी भगा देंगे क्या? अगर आपने दिया होता खाना पीना, आपने ये आश्वस्त कर दिया होता कि आपका लैंडलॉर्ड आपसे पैसा नहीं मांगेगा, किराएदार आपको, आपका जो मकान मालिक है वो आपको निकालेगा नहीं, हम खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, तर्जुमा जी, तो वो तस्वीरें हम लोग नहीं देखते। जनता जी, वो जनता को मोदी जी पे भरोसा नहीं था कि वो लॉकडाउन खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। 3 महीने का लगातार, 1 महीने की बात कह के, फिर 1.5 महीने, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने। मैं तो पहले फेज की बात कर रहा हूँ तर्जुमा जी, मैं बिल्कुल पहले फेज की बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड वेव की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। और उसी समय हम लोगों ने तस्वीरें देखी, आप कहाँ एड्रेस कर पाए जनता को, और आज उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं आप लोग, तो मुख्यमंत्री का ये जो सवाल है इसका जवाब तो उत्तर प्रदेश का वासी आपसे मांगेगा। अब दूसरे सवाल पर मैं आता हूँ, ठीक है, चलिए तर्जुमा जी, अभी चूंकि समाजवादी पार्टी तो अपने पोस्टर लगा रही, वो तो कह रही हम तो आ रहे हैं वापस, भाई अखिलेश जी आने वाले हैं वापस, उन्होंने पोस्टर लगा दिए हैं, आपको ऑप्शन के तौर पर क्यों देखेगी प्रदेश की जनता? समाजवादी पार्टी है, विधानसभा चुनाव आ रहा है, सभी अपना पोस्टर लगाएंगे, अपना प्रचार करेंगे,
और आम आदमी पार्टी भी कर रही है, सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। अब जनता तय करेगी कि वो जो पिछली सरकारें जिन्होंने सत्ता में रहकर उनके लिए कुछ नहीं किया उनको वोट देगी, या वो आने नई पार्टी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में अपना एक नया मॉडल तैयार करके दिखाया, जनता की मूलभूत सुविधाओं पर काम किया, उनको वो वोट करेगी। ठीक है, चलिए एस एन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एस एन सिंह जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। एस एन सिंह जी, क्योंकि घूम फिर करके सारी बातें और सारे आरोप सत्ता पक्ष पर, इसलिए क्योंकि आप लोग इस समय सत्ता में हैं, जो कहा आपने आपने वो पूरा नहीं किया, और इसलिए अखिलेश यादव जी ने पोस्टर लगा दिए कि मैं आ रहा हूं और अब आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। इस पोस्टर को लेकर के ये इतनी आपत्ति क्यों है भाई? सभी लोग लगाते हैं चुनाव में अपना पोस्टर, लेकिन समाजवादी ने जो पोस्टर लगाया, समाजवादी पार्टी ने जो पोस्टर लगाया, उसको लेकर के टीका टिप्पणी क्यों है? आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के लोग पोस्टर लगाएं, पैदल टहलें या मनोरंजन रथ यात्रा निकालें, भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप देखे होंगे 4.5 साल के कार्यकाल को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी योजनाएं थी वो सभी जाति धर्मों के लिए बराबर थी। हमने कभी ये देख के काम नहीं किया कि हम कोई योजना ले आ रहे हैं जो फला जाति को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और दूसरे धर्म को कम फायदा पहुंचाएगी। आप देखे होंगे कि, देखिए आप सुनेंगे तब ना, आप जो है शायद आपके घर इज्जत घर मिला होगा और आपके घर आवास मिला होगा और 1,000 करोड़पति होंगे इसलिए नहीं मिला होगा। हर बार आप यही आते हैं कि एक योजना का नाम बतला दीजिए, आपको अपना तो कुछ आता नहीं। मैं तो बता ही रहा था कि भाई आपने पिछली बार वही बताया, जो शौचालय मिले हैं अभी देखिए, कल एक महिला कह रही थी टीवी के माध्यम से, समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये सवाल पूछा तो उसने कहा कि हमारे 2 लड़के हैं, एक लड़का गाजियाबाद चला गया और आज तक लौट के नहीं आया, लेकिन एक लड़का हमारा मोदी भी है जो हमारे घर में शौचालय का निर्माण करा दिया, हमें रहने की व्यवस्था करा दिया टीवी के माध्यम से, कल ही एक चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा था। आप आंख खोल के तो देखिए, और आपके यहाँ जो है ना, सुनिए लेखपाल, वो भी दिखा रहा हूँ। लेकिन आपने चूंकि योजनाओं का जिक्र किया, चूंकि आपने योजनाओं का जिक्र किया, चलिए ठीक है, वो योजनाएं कितनी आपने पहुंचाई, आपके कितनी पहुंची कितनी नहीं पहुंची, वो तो जनता तय कर देगी। एसएन सिंह जी, निकाली, लेकिन लेकिन योजनाओं का चूंकि आपने जिक्र किया, एसएन सिंह जी, 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 जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि पूर्व में जो सरकारें थी या पूर्व में जो सरकारें योजनाएं बनाती थी उसमें किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक धर्म विशेष या किसी एक जाति विशेष का ध्यान रखा जाता था। कोई योजना तो बताइए जिसमें यह कहा जाता हो कि नहीं, ये फला इसी जाति को हम देने वाले हैं, बाकी किसी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी योजना समाजवादी पार्टी की थी? जो बिजली दी जाती थी वो इटावा और सफेई के इर्द गिर्द दिया जाता था, और माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक रूप से बोल के कहते थे कि ये जो है तीन जिलों को बिजली दिया जाएगा, और इनको बता दीजिए कि आवास योजना आई और गाजियाबाद में 41 अधिकारी उसमें शामिल हो गए, ऐसे लोगों को मकान दे दिया गया था। आप सुनिए तो, जब आपका मैटर आएगा तो बोलिएगा आप कहाँ रहते हो। अरे आप आ रहा, अब सबसे ज्यादा बुलडोजर से दिक्कत किसको है? गाजियाबाद, आप बताइए 24 घंटे कहाँ बिजली मिलती थी गाजियाबाद में? 24 घंटे कहाँ मिलती थी? आप 2012 में चले जाइए, 2012-13 में चले जाइए नोएडा और गाजियाबाद में, नोएडा और गाजियाबाद में लोग सड़कों पे आ जाते थे, और आपके नोएडा, वही कह रहे ना, नोएडा में आपके, आप सुनेंगे तो। चलिए धर्मेंद्र जी सुन लेते हैं। बुलडोजर से डर किसको है? अखिलेश यादव को बुलडोजर से डर किसको है? अपराधी और अखिलेश यादव को सुनिए, डर किसको है? आप अपना देखिए, आप अपना देखिए, और बीच में मत बोलिए, आपको भी मैं बोलने नहीं दूंगा इस तरह से। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। इस बीच अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनका भी रुख कर लेता हूँ। अभिषेक जी आपका भी स्वागत है। अभिषेक जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें वो ये लिख रहे हैं मैं आ रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं अभिषेक जी कि आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं विपक्ष की, प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा एक्टिव रही है विपक्ष की भूमिका में या विपक्ष की लड़ाई को लड़ते हुए, अब पोस्टर तो समाजवादी पार्टी लगा रही है कि हम आ रहे हैं वापस या मैं आ रहा हूँ, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका इस पर एक रिएक्शन चाहूंगा अभिषेक जी। देखिए ऐसा है,
महज पोस्टर लगाने से और अपना प्रचार करने से प्रदेश की जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते हैं। और ये दावे खोखले जो कर रहे हैं कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जब कोविड की महामारी फैली हुई थी तो कांग्रेस पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसके प्रदेश अध्यक्ष और नेता जमीनों पर उतर कर लोगों की मदद कर रहे थे। किसान आंदोलन जब अभी हुआ तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब वहां पर केंद्र मंत्री का लड़का किसानों के ऊपर गाली रौन देता है तो किसने लड़ाई लड़ी लोगों के लिए? माननीय प्रियंका गांधी जी ने किसानों के पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ के चेक पर को भिजवाए दिया। ये काम सरकार का होना चाहिए था, सरकार ने नहीं किया, वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। और विपक्षी दल होने की जो भूमिका है वो केवल कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में निभाई है। कोई भी पार्टी आगे फ्रंट पे बढ़कर नहीं आई है, सब अपने घर में दुबके हुए बैठे हुए थे। पोस्टर लगाने से आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकते और ये दावे नहीं कर सकते कि आप उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी को कितनी बार नजरबंद किया गया 3-4 दिन के लिए और हमारे नेता डटे रहे, लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। अरे एसएन सिंह प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, भाई अभिषेक जी की बात को भी सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनकी भी बात को थोड़ा सुनिए। अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे, थोड़ा बाहर आ जाएंगे क्या? धर्मेंद्र जी और एसएन सिंह जी आप दोनों लोग क्या, अगर मेरी आवाज मिल पा रही हो, नहीं तो आप दोनों लोग आपस में ही चर्चा कर ले भाई, आप दोनों लोग आपस में ही चर्चा कर ले। एक काम करते हैं, आप दोनों लोग आपस में ही चर्चा कर ले और बाकी जो तीन मेहमान बैठे हैं वो आपको सुन लेते हैं केवल। सुनिए भाई, सुनिए, दूसरों को सुनना भी शुरू करिए। एसएन सिंह जी, थोड़ा शांत हो जाए। एसएन सिंह जी और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, देखिए अब आप लोग की ऑडियो भी डाउन है, जा नहीं रही है, जनता ना सुन पा रही है आप लोग क्या कर रहे हैं, केवल लग रहा है कि आप लोग लिपसिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा शांत रहे और सुन। मैं कह रहा हूँ ये इसी तरीके की पूरा कुर्सी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केवल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। होर्डिंग लगाने से आप जनता के जो दुख है उसके भागीदार नहीं बनते हैं, आप उनके आंसू नहीं पोंछ रहे हैं, आप अपना प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, जब किसानों की हत्या बर्बरता पूर्वक करी गई तो हमारे ही नेता वहां पे जो हत्या छत्तीसगढ़ में हो रही है वही हत्या राजस्थान में हो रही है, सत्ताधारी पक्ष ने हमारे नेताओं को नजरबंद किया था। हमारी पार्टी ने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया उन पीड़ित परिवारों को, जो सरकार का काम होता है वो कर रही है। तो यहाँ जब नजर आती है कौन जनता की शर्मरा गई है, यहाँ पे मंडी में किसान है वो आग लगा दे रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, युवाओं के साथ सरकार के पर्चे भी खो रहे हैं, युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं और आप यहाँ दावा ठोक रहे हैं कि हमने 40 लाख युवाओं को नौकरी दे दी। कोविड की महामारी के वक्त आपकी पार्टी का कोई नेता नजर नहीं आया, आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो लोगों की मदद कर रहे थे तो उनको जेल में 1.5 महीने के लिए बंद। चलिए अभिषेक जी, आपकी बातों का मैं जवाब लूंगा क्योंकि आपने दोनों ही तरफ के लिए सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं आज सवाल उत्तर प्रदेश में हो रहे पोस्टर वॉर का। हालांकि हल विधानसभा चुनाव में आप देखते हैं कि पोस्टर्स को लेकर के खूब आरोप प्रत्यारोप होते हैं, दूसरे पर वार पलटवार भी होते हैं, लेकिन इस बार का जो पोस्टर है वो बेहद दिलचस्प है क्योंकि बाकायदा आप देख रहे हैं कि एक तो डिजिटल पोस्टर है, दूसरा मैं आ रहा हूं, यानी कि पूरे उम्मीद के साथ या फिर पूरे आप आश्वासन के साथ कह सकते हैं कि ये बात लिखी जा रही है उस पोस्टर में, अखिलेश यादव उसमें दिख रहे हैं और यानी कि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करने वाली है और इसलिए भी इसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग जो तर्क हैं वो भी रखे जा रहे हैं और आज इसी पर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो पोस्टर वॉर है वो कहां जाकर थमेगा और इसका कितना इम्पैक्ट होगा 2022 के विधानसभा चुनावों में, इस पर चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि अभी अभिषेक जी को भी मैं सुन रहा था, वो भी बार बार इस बात को दोहराते हुए नजर आए
कि पोस्टर लगा देने से सत्ता में वापसी नहीं होती है। जब विपक्ष की भूमिका को निभाना था तब उस समय समाजवादी पार्टी अपने घरों में बैठी हुई थी, वो कोरोना काल का जिक्र कर रहा है। मैं आपका इस पर भी एक रिएक्शन चाहूंगा। आयुष जी, मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इनका चश्मा देखिए, जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म को ये नहीं मानते हैं, उस धर्म को मानने में इनको दिक्कत होती है। ये जो है 9 लाख समाजवादी राशन किट दी गई, पूरे प्रदेश में तकरीबन 74 लाख समाजवादी राशन किट दिया गया। कोरोना काल की जो पहली वेव आई थी जितना केवल इटावा में, केवल इटावा और सतई में दिया गया, उसके बाहर कहीं नहीं निकले। सुनिए, देखिए एक एक करके बोले, देखिए इस तरीके से क्या फायदा होता है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक दूसरे के बीच में आरोप प्रत्यारोप करने से क्या हासिल होता है। ना आपकी बात समझ में आती है, ना अगले की बात समझ में आती है, और जनता का समय आप लोग बर्बाद कर देते हैं जैसे सत्ता में आने के बाद करते हैं। ये ना करें एस एन सिंह जी, कम से कम कुछ मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो उसको जनता तक पहुंचने तो दें। एस एन सिंह जी, जनता तक पहुंचने तो दें भाई। एस एन सिंह जी क्या मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ? एस एन सिंह जी क्या मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ? मैं आपको बोलने नहीं दूंगा एस एन सिंह जी मैं बोलने नहीं दूंगा। अगर आपकी मंशा ये है कि आप चर्चा खराब करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। एस एन सिंह जी मैं आपकी एक भी बात नहीं जाने दूंगा। मैं बोलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, चर्चा खराब करेंगे तो मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप यहाँ चर्चा खराब करने के लिए बैठे हैं। एस एन सिंह जी आप चर्चा खराब करने के लिए बैठे हैं। मुझे लगता है कि सर्वाधिक समय आपने व्यर्थ किया है, इसलिए मैं एक भी सवाल आपसे नहीं लूंगा। म्यूट किया जाए एस एन सिंह जी। अभिषेक जी चलिए ठीक है, ऑडियो डाउन करें। अभिषेक जी, चुनौती है क्या बहुत बड़ी, क्योंकि बार बार समाजवादी पार्टी इस बात को दोहरा रही है कि सत्ता में वापसी उसको करनी है। आप लोग पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आते हैं, इसलिए आप लोग संगठन तक भी मजबूत नहीं है। अभिषेक जी देखिए, जो लोग जब 4.5 साल तक प्रदेश की जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जो लोग सड़कों पर निकल के नहीं आए, जिन लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, उन लोगों को इस तरीके की बात ये नहीं कहनी चाहिए। 4.5 वर्ष हो गए सरकार को, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आने के बाद हमारी नेता लगातार प्रदेश की जनता की जब भी कोई पीड़ा होती है, जब भी कोई दुख का वक्त होता है, वहां पे हमारे नेता साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे आप हाथरस की घटना ले लीजिए, चाहे शाहजहानपुर की ले लीजिए, चाहे आप लखीमपुर खीरी की ले लीजिए, चाहे उन्नाव की ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने जब तक दबाव नहीं बनाया तब तक प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। वरना जो भी लोग थे वो इस वक्त आजाद घूम रहे होते। इतना दबाव बनाने के बाद भी उन लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं करी गई। जैसा कि मैंने आपसे बोला, सत्ता पक्ष का काम होता है कि जनता की मदद करे, मगर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने 1-1 करोड़ रुपए का चेक जो अभी लखीमपुर खीरी पीड़ित किसान थे उनके घर में कल दिए, सबको पहुंचाए। तो ये होता है जनता की मदद करना, और ये होता है करेक्टर जो हमारी कांग्रेस जगह। तो आप लोग 50-50 लाख देते हैं, राजस्थान में वैसी घटना होती तो वहाँ पर आप लोग कुछ भी नहीं देते हैं जाकर के, छत्तीसगढ़ में वैसी घटना होती तो वहाँ पर आप कुछ नहीं करते हैं, मिलने के लिए भी नहीं जाती प्रियंका गांधी साझा कर ले। तो भाई जब ये सिलेक्टिव राजनीति करेंगे तो आप उनको मौका देंगे कि वो आपका सवाल खड़ा करें? भाई उनको भी तो 50 लाख देने चाहिए ना आपको। देखिए मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में जब एक दलित युवक की हत्या हुई थी तो राहुल गांधी जी वहाँ स्वयं गए थे। चाहे राजस्थान का मैटर हो, वहाँ पे बलात्कार हुआ था, उचित कार्रवाई करी गई और फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाई गई और तुरंत उसको 10 दिन के अंदर गए क्यों नहीं भाई? आंसू पोंछने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, कार्रवाई तो यहाँ भी होती, वहाँ भी होती, हर जगह होती है। आप एक ट्वीट कर देते, फिर उत्तर प्रदेश की घटना पर भी ट्वीट कर देते, लेकिन यहाँ तो आप गए ना, मिले, गले लगाया, आपने 50-50 लाख अपने मुख्यमंत्री से भी दिलवाए, छत्तीसगढ़ के अंदर आपने 4 किसानों को गोली मार दी आपकी पुलिस ने वहां पर, और वहां पर आपने जाकर के 1 भी रुपया उनको मुआवजा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में जब घटना हुई थी वहां पे वो गाड़ी से जब कुछ ले गए, गाड़ी से कुचलने वाली घटना से इतर भी एक घटना और है छत्तीसगढ़ की, जानकारी लीजिएगा।
सिलेगर की घटना है जहां पर आदिवासी किसान को आपकी पुलिस, जो कि वहां पर भूपेश बघेल की पुलिस है, गोली मार दी, दो किसानों की मौत हो गई, उनको 50 लाख रुपए दिए आपने। देखिए कांग्रेस पार्टी की जहां भी सरकार है, अगर इस तरीके की कोई भी घटनाएं होती है तुरंत कार्रवाई करी जाती है उसके ऊपर। 50 लाख क्यों नहीं दिए, मेरा सवाल ये है, मुआवजा क्यों नहीं दिया? यहां अगर आप मुआवजे को मरहम के तौर पर दिखा रहे हैं तो आप भी दीजिए, और अगर आप ये कहते हैं कि मुआवजे से कुछ नहीं होता है तो फिर इसको आप इतना ग्लोरीफाई मत करें, इसलिए इसको ग्लोरीफाई ना करें कि आपने उत्तर प्रदेश में आकर के वो लखीमपुर में जाकर इतने पैसे दे दिए, उसको ग्लोरीफाई ना करें, अगर यहाँ दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी दीजिए जाकर के। सत्यजीत जी, सत्यजीत जी, अब ठीक है, सत्यजीत जी 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 सुन नहीं पाए हम आपकी बात। सत्यजीत जी, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई देखिए सभी पार्टियां जीत के दावे तो कर रही हैं, लेकिन पीएसपीएल का आधार क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको गठबंधन की आवश्यकता है, बिना गठबंधन के आप बीजेपी को हरा नहीं सकते, लेकिन अपनी अपनी जीत के दावे यहाँ तो सब इंडिविजुअल कर रहे हैं, ऐसे में पीएसपीएल का क्या है? तो आप मानते हैं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में जाने का काम किया है, गांव गरीब अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के बीच में जाने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का नाम कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं जानता है। किसी भी गली कूचे में आप चले जाएं, किसी महानगर में चले जाएं, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में चले जाएं, तो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का नाम सब जानते हैं। ये भी सही है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में तो विलय तक की बात कर दी। भाई शिवपाल जी को मैं सुन रहा था एक रैली में, तो वो ये कह रहे थे हम तो भाई विलय के लिए भी तैयार हैं, गठबंधन तो छोड़िए। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके आपकी पार्टी का या आपकी मौजूदा जो आपकी पीएसपीएल है जो शिवपाल जी का कद अगर इतना बड़ा है, तो भाई फिर आपको गठबंधन की या विलय की जरूरत क्या है? सवाल गठबंधन विलय का नहीं है, आप इसी बात को तो हमारी बात को समझना नहीं चाह रहे हैं। जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, 24 करोड़ के हित के लिए नेता को जानते हैं भाई, आप दृष्टा बना करें, आप दृष्टा बना करें, ये 50-50 का गेम ना खेले, कह दीजिए 50, हम पूरा करते हैं, हम पूरा करते हैं। सुनिए देखिए, हमारी दो तीन बातें हैं, उसको आप सुन ले, मेरा मौका है, मुझे बोलने दें, आप हमारी बातों का जवाब दे दें, 50-50 ना खेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम अपनी बात रख दें, आप अपने समय पर अपनी बात रखते जो है, अगर ये इतना हो सके तो बेहतर है, और नहीं हो सके तो भाई ठीक है, आप बोलते रहिए, हम सुनते रहेंगे आपकी बात को। हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा, डिबेट सही से करिएगा। जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है अपराध के मामले में, हत्या के मामले में नंबर वन पर है, अपहरण के मामले में नंबर वन पर है। आप एक चीज बताइए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आती है वो हमारी रिपोर्ट तो है नहीं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। आप बताइए 12,913 अपहरण की वारदातें हुई उत्तर प्रदेश में, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आखिर क्यों हुई? उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाना था और उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो गया था, अपराध मुक्त हो गया था, यहां अपराधी नहीं बचे थे, तो उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर वन कैसे हुआ है? एक प्रश्न का आप जवाब ही दे दे हमें। और दूसरी बात दे रहा हूं, एक प्रश्न और केवल जो है। दूसरी बात, ये भुखमरी के मामले में देखा जाए तो 101 नंबर पर कैसे चला गया, जो 94 पे पिछले वर्ष था वो 7 अंक नीचे कैसे खिसक गया? बांग्लादेश हमसे आगे हो जाता है, नेपाल हमसे आगे हो जाता है, पाकिस्तान हमसे आगे हो जाता है, श्रीलंका हमसे आगे हो जाता है, ये नीचे क्यों आ गया? अगर ये दो प्रश्न का उत्तर आप सही सही दे दें तो उसके बाद सुन लीजिए, इसलिए कि जो आपके समय में जो गरीबों का अनाज था वो समाजवादी पार्टी के लोग और आपके नेता खा जाते थे। अब ये निरर्थक बात है, ये निरर्थक बात है, सुन लीजिए और सुन लीजिए, तर्कसंगत बात की रिपोर्ट भी सुन लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप बताइए, दो एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 2012 में 312 दंगा हुआ, आप भी देख लीजिए। अब 2012 पे मत जाएं, अभी जो रिपोर्ट, अभी 13 में 350 दंगाएं हुए पूरे प्रदेश में और 2014 में 260 दंगा हुआ, ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट को देखिए, हमारे यहाँ तो दफ्ती लगा के लोग थाने में ऐसे सरेंडर करके आ रहे हैं। देखिए आप भी जाइए, आप दहशत का माहौल पैदा करते हैं, आप शरीफों को भी अंदर, चलिए सुन रहा हूँ, सुन लीजिए, चलिए ठीक है, आप शरीफों को भी भाई बताइए शरीफ नहीं, मुख्तार अंसारी अगर आपके लिए शरीफ हो, अगर कोई शरीफ हो तो वो जुड़ी भाई साहब, ब्रजेश सिंह माफिया के सगे भाई, सगे भतीजे, आप वो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्या ब्रजेश सिंह माफिया के सगे भतीजे को आप पार्टी से निकालेंगे? आपसे एक प्रश्न ये भी है, नहीं ब्रजेश सिंह माफिया है, ब्रजेश सिंह माफिया है,
चलिए उन्होंने भी नहीं निकाला, आपने भी नहीं निकाला, इसलिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई फायदा नहीं। उनके सगे भतीजे एक आईना दिखाएगा तो दूसरा आपको भी दिखा देगा। करुणमा जी ठीक है, चलिए 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 ठीक है। सत्यजीत जी आपने दोनों सवाल उठाए, क्योंकि भाई देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम नीचे सात पायदान इसलिए गए क्योंकि वो अनाज आप खा जाते थे, आज वो पता नहीं कौन खा रहा है, इसलिए वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारी सात पायदान नीचे दिख रही है। और दूसरा ये है कि माफियाओं की ओर अगर आपने क्राइम की बात की है तो उसका वो जवाब दे रहे हैं, आपकी पार्टी में भी है। चलिए तरुणमा जी ये अलग पॉलिटिक्स, ये जो आप अलग राजनीति कर रही हैं तरुणमा जी, इन सब से भी आपको निपटना होगा क्योंकि ये बड़े फैक्टर्स हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के। एक तो जातिगत समीकरण, ये बाहुबली माफिया, इन सब का अपना नेक्सस और गठजोड़ चलता है, सारी पार्टियां से इनकार नहीं कर सकती। आप तो कह रहे हैं आप तो नए हैं, कैसे निपटेंगे और कैसे जनता आप पर भरोसा करे, ये सवाल आप लोगों के लिए है। और जनता को कन्विंस कैसे करेंगे, सिर्फ बिजली पानी पर आ जाएगी क्या जनता? तरुणमा जी ठीक है, चलिए एक सेकेंड, अब शांत हो जाए, आप दोनों लोग शांत हो जाए। एस एन सिंह जी ठीक है, एस एन सिंह जी अब तरुणमा जी को सुन लीजिए। एस एन सिंह जी ना आप खुद बोल रहे हैं ना दूसरे को बोलने दे रहे हैं, ना किसी की बात सुन रहे हैं आप, ना किसी और की बात को सुन रहे हैं आप। थोड़ा शांत रहे भाई, और लोग भी हैं पैनलिस्ट, उनको सुने थोड़ा। तरुणमा जी इसका भी ध्यान रखें, आपके समय जो दूध की गंगा बह रही थी ना भैया, हमारी आपकी बह रही थी और किसी को मिला नहीं, आपके समय जो दूध की गंगा बह रही थी वो आप ही के इर्द गिर्द बह रही थी, किसी जनता को कुछ नहीं मिला था आपको। इस बार तो हम कह रहे हैं 100 का आंकड़ा भी नहीं पार होगा, 40 गिन लीजिए, 40 अभी लिख लीजिए, बुलडोजर से क्यों डर रहा है, इनका दम बोल रहा है, इनका अहंकार बोल रहा है, इनका घमंड बोल रहा है, बोलता था अहंकार बड़े बड़ों का नहीं चला है और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला है, आपका अहंकार बोल रहा है, आपका दम बोल रहा है, भाई साहब इतना अहंकार ना करेंगे, अहंकार रावण का भी नहीं चला है, कम से कम अहंकार से बचे, अहंकार से बचे। 14 साल तक आप बम्बात काट चुके हैं, 14 साल तक आपका कोई नाम लेने वाला नहीं था, चौदह साल आप जहाँ थे 2017 के पहले आपका कोई व्यास भूगोल सब समाप्त हो गया था। सुनिए, जिस आपका 14 साल कहाँ थे उस दिन भी, 14 साल कहाँ थे आप, 14 साल कहाँ थे, 14 साल कहाँ थे आप, मुख में राम बगल में छुरी, इनसे रखियो 100 गज दूरी, इनसे 100 गज दूरी रखो, राम राम कहते हैं लेकिन छुरी पीछे से भागते हैं, जिस राम मारो काटो यही आपका नारा है, जाने क्यों जा रहे हैं, फिर वही बात, राम तो हमारे आदर्श हैं, राम तो कणकण में व्याप्त थे, राम तो कणकण में व्याप्त थे, आपने कहा सुनिए राम मतलब आप राम की भी, भगवान राम की भी पूजा नहीं करने देंगे, राम जन्मभूमि पे राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, नहीं ये चीज नहीं कहा, कभी नहीं कहा इस बात का मैं खंडन करता हूँ, नहीं सुन लीजिए, कभी नहीं कहा इस बात का मैं, देखिए इस तरह की बात मत कीजिए, राम जन्म, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, राम भगवान राम की स्तुति सब लोगों ने किया, राम राम तो सब जो करते हैं, राम के बगैर देश अधूरा है, राम कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं पूरे विश्व में मान्य है, इस ब्रह्मांड में मान है। चलिए अब चर्चा में यही समाप्त करूंगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला और अपनी चर्चाओं को अपने आप ही आप लोगों ने जारी रखा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना ही।